से बचाना, तो उसका हाथ पकड़ो और आइस पर जाओ और फिर ये तुम्हें आराम से करना चाहिए। फ्लो के साथ चलो और रिदम सुनो, मुझे फॉलो करो। डरो मत, मैं किसी से नहीं कहूंगी। अब किस बारे में? कि तुम्हें अपनी लेसेस बांधना भी नहीं आता। कम ऑन। यंग मैन, कभी आइस स्केटिंग सीखने के बारे में सोचा है? जजेस तुम्हारी स्माइल से घायल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, पर मेरी लाइफ में पहले से ही म्यूजिक है और शायद मैं नई धुन बनाने वाला हूँ, तो म्यूजिक स्केटिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है, सोचो। क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है इसलिए तुमने उन्हें बुलाया है? बिल्कुल नहीं, मैंने बस मैरिनेट से हेल्प मांगी थी। कैसी हेल्प? बस मुझे स्केटिंग सिखाने के लिए। पर उसके लिए तुम्हें उसकी जरूरत नहीं। तो मैं चैंपियंस वाली बात है, स्टाइल, टैलेंट, मुझे तुम्हारा प्राइवेट कोच बनने दो। मैं आर्चरी और फेंसिंग जैसे नोबल आर्ट सीखती हूँ, आइस स्केटिंग सिर्फ मजे के लिए है। तुम्हें एक वीक के लेसन फ्री में सिखाऊंगा, बस कुछ घंटे रोज और तुम स्टार बन जाओगी। थैंक्स, पर मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। क्या तुम्हें ऐसा ही फील हो रहा है? सच कहूं तो मुझे लगता है तुम्हारी जैसी लड़की को ऐसे फील करना चाहिए। और जो तुम्हें इस फीलिंग का एहसास कराए वो थैंक्स लुका। हाय, मेरा नाम है मैरिनेट। तुम्हारी मॉम ने मुझे यहाँ पर भेजा। वो जो ग्रूव है ना, वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हेलो मामा, मामा मैरिनेट। सॉरी, मेरे मजाक का बुरा मत मानना। अजीब बात है, ऐसा लगता है तुमने अपने दिल में कोई बात छुपाई है। म्यूजिक हमेशा शब्दों से ज्यादा सिंपल होता है। तुम्हें जैकेट स्टोन का म्यूजिक पसंद है? वो मेरा फेवरेट सिंगर है। मेरा भी। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम रख सकती हो। ओह, थैंक्स। जैसा तुमने कहा था, मुझे लगता है ग्रूव ज्वाइन ही कर लेता हूँ। मैंने ऐसा कहा था क्या? तुम बहुत ही फनी लड़की हो मैरिनेट। Thank you.